अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। बस ये सुबह का टाइम है तकरीबन 11 बजे का और मेरी बेटी जोनसी है वो कॉलेज से आ चुकी है और उसने कहा कि मुझे नाश्ता बना दें, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने उनके लिए पराठा बनाया और साथ में चाय और साथ में हम लोगों ने बनाई हुई थी दाल मसूर की, उसको मैंने गर्म किया और एक साइड पे मैं चाय बना रही हूँ और साथ मुझे कह रही है कि जी मामा मुझे फ्राई अंडा बना दे। बस जी पराठा मेरा जो एक तैयार हो गया, दूसरा मैंने ऊपर डाल दिया और जैसे ही दोनों पराठे तैयार होते हैं तो मैं दोनों को नाश्ता देती हूँ करने के लिए, दोनों बैठ के नाश्ता कर लेंगे। आजकल उनके टेस्ट शुरू हुए हैं जिसकी वजह से वो जल्दी आ जाते हैं बच्चे, तो सुबह कुछ नहीं खा के जा रहे हैं, वापसी पर घर आके खाते हैं। गैस ने भी बहुत तंग किया हुआ है, गैस बहुत स्लो स्लो आती है और जब लाइट जाती है तो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, वरना लाइट जब ना हो तो फिर बिल्कुल स्लो, जब आती है लाइट तो फिर बिल्कुल स्लो स्लो होती है। ये काफ़ी देर से मैं पराठा बना रही हूँ लेकिन बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। आप देखें गैस बिल्कुल हल्की हल्की है, लेकिन दो चूल्हे जला लो तो बस आप भूल जाओ रोटी बनानी। बस ये आराम आराम से मैं रोन से रोटी बना रही हूँ और मैं ओवन में रखने लगी हूँ दाल गर्म करके, तो वो मैंने लगाई हुई थी, मैं कहीं गर्म होगी तो निकालूँ और बच्चे पराठे उनसे वो मेरे रेडी हो गए तो मैं बच्चों को देती हूँ खाने के लिए ना। बस ये सबके मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग जो उनसे हैं खाने का व्लॉग डालेंगे, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आजकल मेरा बीपी हाई रह रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो इतने अच्छे तरीके से नहीं बना सकती, पर जैसे ही थोड़ी तबीयत बेहतर होती है साथ ही मैं उनसे अपना व्लॉग वो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बस अभी कुछ बेहतर थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता बना देती हूँ, तो इसलिए मैं नाश्ता बनाई थी। और कुकिंग के आप लोग मुझे कह रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं जो उनसे अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी जो उनसे आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती है। और ये जी बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया है और ये मैंने लगा दिया है और उसके बाद जी मैंने रात को जाना था निशात, हम लोगों को आ गई हैं शादियाँ, तो बस इसी वजह से शादी की शॉपिंग के लिए रात को हम लोग घर से बाहर निकले और हम लोग पर गए निशात। हम लोग अंदर गए हैं तो कुछ समझ नहीं आई थी, कुछ कपड़े अच्छे लग भी रहे थे कुछ नहीं भी अच्छे लग रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा चलो MMN रोड वाली ब्रांच में चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कपड़े ना, तो अगर वहाँ कुछ समझ आएगी तो फिर ले लेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो ये देखें हम लोग अंदर वहाँ से हम लोग निकले और फिर लोग जो उनसे हम लोग जा रहे हैं जी MMN रोड पर, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। ये देखिए जी हम आ गए हैं MMN रोड पे, पहले हम लोग निशात पे ही आए हैं क्योंकि मुझे निशात के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसी शॉप पे आना पसंद कर रही थी कि हम लोग यहाँ से कुछ देख लेते हैं। निशात पे कपड़े बहुत खूबसूरत आए हुए थे, बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे और मैंने कहा था कि सारे सूट ही ले लो, लेकिन बस जिस तरह समझ आई वैसे वैसे हम लोगों ने यहाँ से कपड़े खरीदे। देखिए यहाँ पर जितना भी स्टॉक था सारा ही विंटर का था और विंटर के कपड़े इनके पास बहुत खूबसूरत आए हुए हैं, बहुत अच्छे कपड़े आए हुए निशात पे। समर की जितनी कलेक्शन थी ना वो ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुकी हुई थी और कम ही कपड़े थे इनके पास समर के ना, तो बस विंटर में जो उनसा एक तो अच्छे लगे तो वो हम लोगों ने लिए, जेंट सूट लेने थे वो लिए। तो बस ये अपनी शॉपिंग करते हैं और बाहर जाते हैं। बस हमने यहाँ पर बिल पे किया और यहाँ से हम लोग बाहर निकले, अब देखते हैं किस शॉप पर जाते हैं तो साथ साथ आपको दिखाते हुए।
पास से हमें जौन सा शॉप मिल रहा है स्वीट क्रीम की, हम लोगों ने कहा चले यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम लोगों ने जौन सा आइसक्रीम ऑर्डर की और देखे कितनी देर में आती है, रश तो काफ़ी लगा हुआ था। इन्होंने बाहर चेयर्स लगाई हुई हैं सारी और लोग यहाँ बैठ के आराम से आइसक्रीम जौन सा है वो इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, साथ साथ बच्चे भी काफ़ी आए हुए थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, मे भी कोई व्लॉग भी बना रहा हो, तो काफ़ी रश लगा हुआ था। बस ये हमारी भी तकरीबन आइसक्रीम जौन सी आ गई है, हम लोगों ने कौन ऑर्डर की थी तो वो हमारी आ गई है, तो अब हम लोग खाते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। बस ये सामने ही राजा साहब की शॉप नज़र आई तो हमने कहा कि चलें यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम लोग अंदर गए और हमें वहाँ से दो तीन सूट पसंद आए तो हम लोगों ने वो ले लिया। अंदर जाके मैं जो व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं अंदर जो उनसे जाकर ना व्लॉग बनाऊँ, तो शॉपिंग मैंने कहा घर जाकर दिखा देती हूँ। बस आप लोग अब यहाँ से फारिग हो के अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो घर जाके इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बस हम घर पहुंचने वाले हैं और इंशाल्लाह घर जाके आपसे मिलते हैं। ये देखें जी घर पहुंच चुकी हूँ और हम लोग जो हैं वो लेके आए हैं, रंगून ब्रांड थी उसके हम लोगों को दो सूट पसंद आए, हम लोगों ने वो लिए। ये तकरीबन जो उनसे हमें 10-10 हज़ार का सूट मिला, तो सूट बहुत अच्छा था, हमें बड़ा अच्छा लगा, ना ज़्यादा फैंसी था और ना ही ज़्यादा जो उनसे है वो, उनके सूट बहुत अच्छे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। बस जी हम लोगों ने ये शॉपिंग की, वहाँ से दो सूट लिए और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये कलर है, ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था, वीडियो में जैसा कलर नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही कलर है ये देखने में, और सूट जब हम लोगों ने खोला तो बहुत ही प्यारा सूट था और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। और दूसरा हम लोगों ने लिया जी रमशा का सूट भी बहुत अच्छा था, ये है ब्लैक कलर में और ब्लैक कलर जो उनसे अब बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा सूट था और ये फुल सूट था, शमीज़ हम लोगों ने अलग से लिया, वैसे थ्री पीस सूट था, ये भी हमें तकरीबन जो उनसे वो 10 हज़ार का पड़ा। ये देखें ब्लैक कलर भी बहुत खूबसूरत था, जो उसके ऊपर उन्होंने वो धागा यूज़ किया हुआ है उसका भी कलर बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बड़ा खिला सूट लग रहा था। बस ये हम लोगों ने बस ये शॉपिंग की और उसके बाद मैं आपको निशात के भी दिखाती हूँ कपड़े। एक तो मैं अपनी दर्जी की दुकान पे दे आई हूँ कपड़ा और सूट और एक मेरे पास है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ कि दूसरा कौन सा मैं सूट लेके आई हूँ। इसमें बहुत खूबसूरत कलर थे, बड़े प्यारे प्यारे कलर थे, बस लेकिन हम लोगों को ब्लैक अच्छा लगा, हम लोगों ने वो ले लिया। और ये देखिए ये निशाक का जो उनसे मैंने लिया है, ये जकार्ड का सूट है, तो मूव कलर मुझे अच्छा लगा था इसमें और मैंने फिर ये वाला सूट ले लिया। और एक जो सा दूसरा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।